जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। इस वीडियो में पूरा क्लियर कट हो जाएगा, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। जो क्वालिफाई का फर्स्ट हियरिंग का जो डेट आया था 27 जून को, उसे एक्सटेंड करवा दिया गया था और क्वालिफाई का एक नया डेट मिल चुका है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पे 22 जुलाई को दिखा रहा है, ठीक। यानी 22 जुलाई को जो होगा वो हियरिंग होगा। उस हियरिंग के दिन देखिए क्या होगा आपका, क्या नहीं होगा, आपको मालूम चलेगा कि आपका केस एक्सेप्ट होगा, आपका केस एक्सेप्ट होगा कि डी एक्सेप्ट होगा, उस दिन मालूम चल जाएगा। अगर केस आप लोगों का एक्सेप्ट हो गया और रेगुलर इसमें रेगुलरिटी इसमें हो गई, तो समझ लीजिए कि गुड न्यूज़ है। बस अब खैर मनाइए आप लोग कि जो भी केसेस हैं इसमें आपका अच्छा क्लू हो, केस एक्सेप्ट हो जाए, केस खारिज ना हो। क्योंकि अगर इस तरह का केसेस देखें, हम बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का एक केस आया था, इसमें 704 लोगों ने मिलकर पेटिशन फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, और चूँकि अच्छी खासी संख्या थी तो 3 दिन के अंदर हियरिंग का डेट मिल गया था। और पहले हियरिंग में समझ लीजिए कि 3 SLPA इन लोगों का खारिज हो चुका था। बाकी के 5 दिनों बाद दूसरा हियरिंग जो मिला, उसमें बच्चे खसे जो भी SLPA थे वो सब खारिज हो गए थे। लेकिन वहाँ पर अमेंडमेंट की बात नहीं थी, चूँकि वहाँ पर गेस्ट वाले की बात थी, कॉन्टेक्ट वाले की बात थी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को वैलिड करार दिया। यानी एक तरफ कॉन्टेक्ट को भी और एक तरफ फ्रेशर को भी, दोनों को वहाँ रखा, किसी को नहीं हटाया। तो यहाँ भी देखिए क्या होता है, जो भी चीज़ें होगा आपको देखने को मिल जाएगा, बशर्ते आप इंतज़ार कर लीजिए। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छा अपडेट देंगे, डिटेल में बात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।